वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ रिचा। मैं आज आपके साथ एक सीरम शेयर करने वाली हूँ जो कि बहुत ही अच्छा सीरम है फ्रेंड्स। और ये सीरम इतना अच्छा है फ्रेंड्स, आप लोग अगर आप रोज़ मतलब डे यूज़ में या नाइट यूज़ में आप इसको यूज़ करते हो तो ये बहुत ही अच्छा वर्क करता है और आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि मैं इसको 10 डेज से यूज़ कर रही हूँ। और अगर आपको किस तरह के निशान हैं आपके फेस पर, आप इसको अपने हैंड पर भी अप्लाई कर सकते हो, या फिर आप फेस पर तो अप्लाई कर ही सकते हैं लेकिन आप हैंड पर भी अप्लाई कर सकते हो। और आपके जितने फेस पर निशान वगैरह होते हैं, दाग धब्बे, छोटे छोटे से दाने निशान हो जाते हैं, ब्लैक ब्लैक से स्पॉट्स वगैरह होते हैं, वो इससे रिड्यूस हो जाएंगे, आपके पिगमेंटेशन के निशान दूर होंगे। आप इसको बनाकर रख लीजिए, मतलब एक छोटा सा अगर आप ज़्यादा बनाना चाहते हैं, वैसे तो 10 डेज के लिए आप बना कर रख सकते हैं, आप ये तो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। लेकिन आजकल ये वेदर ही ऐसा चल रहा है कि इस तरह की चीज़ें यूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, क्योंकि मेरी स्किन नॉर्मल टू ड्राई है, तो मुझे मेरी स्किन कभी ड्राई हो जाती है, कभी ऑयली ऑयली सी हो जाती है, तो मुझे इस तरह की चीज़ों को यूज़ करते रहना पड़ता है, इसलिए मैंने ये सीरम बनाया है फ्रेंड्स। और ये सीरम बहुत ही अच्छा वर्क कर रहा है, तो अगर आप लोगों को ये सीरम बनाना है तो बने रहिए मेरे साथ। और चलिए देख लेते हैं इसको बनाना कैसे है। इससे पहले कि अगर आप लोगों को थोड़ा भी हेल्पफुल लगता है ये वीडियो, तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। लाइक करने में कोई भी आपके कुछ भी नहीं लगेगा और ये बिल्कुल ही टोटली फ्री होता है, तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए। लाइक करने से हम लोग को मोटिवेशन मिलता है, हम लोगों को मज़ा आता है, अच्छा लगता है, और भी न्यू वीडियो अपलोड करने में अच्छा लगेगा। इस वजह से हम लोग कहते हैं कि आप लोग प्लीज़ हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए और बताइए, कमेंट करके ही बताइए कि आप लोगों को ये कैसा लग रहा है फ्रेंड्स। तो इस वजह से मैं ये बोल रही हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी मैं वॉश किया था अपने फेस को और मैंने इसको अप्लाई किया है, तो मैंने सोचा चलिए आप लोगों के साथ भी शेयर कर लेते हैं ये वीडियो। और तो मैं क्या कह रही थी, हाँ, लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिएगा फैमिली मेम्बर के साथ, फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब कीजिए जो भी मेरे न्यू व्यूअर्स हैं, नए आए हैं मेरे चैनल पर, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करेंगे तो बेल आइकन आएगा, बेल आइकन को भी ज़रूर हिट करिएगा, और जैसे ही आप हिट करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा न्यू वीडियो का, और जैसे ही आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचेगा तो आप उसको भी चेकआउट कर सकते हैं फ्रेंड्स। और हाँ फ्रेंड्स, अब चलिए देखते हैं इस वीडियो को, ये सीरम को देख लेते हैं। उससे पहले मैं दिखा दूँ कि मैं 10 डेज से यूज़ कर रही हूँ, तो आप मेरे फेस को देख सकते हैं। एक्चुअली क्या है कि मेरी थोड़ी सी लाइट की प्रॉब्लम हो जाती है, तो इस वजह से जो शाइनिंग होती है ना फेस की, जो ग्लो होता है, वो नहीं इसमें कैप्चर करता है ये कैमरा, इस वजह से नहीं देख पाते हैं आप लोग। लेकिन जब मैं ऐसे ही देखती हूँ, अगर कोई और भी देखता है मेरे चेहरे पे, सभी लोग मुझे जरूर कमेंट कर मतलब पूछते रहते हैं कि आपने क्या लगाया, इतना फेस इतना ग्लो क्यों करता है, क्या लगाती हैं। तो मैं कहती हूँ वीडियो देख लीजिए आप मेरे, तो वो लोग भी ये सारी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, तो उन लोगों को भी ठीक होता जा रहा है। तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं इसको मैंने किस तरह से बनाया है। और हाँ ये फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ें आपको घर में अवेलेबल हो जाएंगी, अगर आप मुझे फॉलो करते हैं तो आपको ये सारी चीज़ें घर में ही मिल जाएंगी। तो चलिए फ्रेंड्स फटाफट से देख लेते हैं कि इसको बनाना कैसे है। चलिए फटाफट देख लीजिए, देखते हैं अपना वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज मैं सबसे पहले ये सीरम बनाने जा रही हूँ, तो इसके लिए मुझे चाहिए एक एम्पटी बॉल चाहिए मुझे, और मैं लूँगी इसमें एलोवेरा जेल, और ये है पतंजलि का एलोवेरा जेल, और ये है केसर और चंदन वाला, अगर आप चाहें तो ग्रीन वाला भी ले सकते हैं। फ्रेश एलोवेरा जेल नहीं लेना है हमें, यही लेना है, इसलिए मैं यही ले रही हूँ। और थोड़ी लाइटिंग की प्रॉब्लम होगी तो उसको इग्नोर कीजिएगा, तो मैं थोड़ा ही बना रही हूँ अभी, इसलिए आपको दिखा रही हूँ बस इतना ही, तो मैं इतना ले रही हूँ। और एलोवेरा जेल तो आप जानते ही हैं कि कितना अच्छा होता है अपनी स्किन के लिए, हमारी स्किन बहुत ही अच्छी वर्क करती है इससे। और मैं ले रही हूँ ग्लिसरीन, इसमें ग्लिसरीन आपको मार्केट में मिल जाएगी तो आप ले सकते हो, मेडिकल शॉप पर मिल जाता है, तो ग्लिसरीन मैं इतना ही ले रही हूँ, थोड़ा और ले लेती हूँ, थोड़ा और ले लिया था मैंने। तो ग्लिसरीन से अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई रहती है, अभी बहुत ज़्यादा गंदा बिहेव कर रही है हमारी स्किन, तो इस वजह से मैं ले रही हूँ ये सारी चीज़ें। और ये सीरम आपके लिए बहुत ही अच्छा काम करेगा फ्रेंड्स, और आपके जितने भी दाग धब्बे होंगे, आपके डार्क सर्कल्स होंगे, आपके पिगमेंटेशन होंगे, दाग धब्बे जितने भी होंगे, वो सब उससे कम हो जाएंगे। और मैं ले रही हूँ इसमें स्वीट आलमंड ऑयल, रोगन बादाम का है ये,
तो आपको बस सिर्फ इतना इतना सारी चीज़ें अगर आप अपने अपने हिसाब से बना सकते हो। वैसे मैं थोड़ा थोड़ा ही यूज़ कर रही हूँ ये सारी चीज़ें। और फिर मैं ले रही हूँ रोज़ वाटर, और रोज़ वाटर मैं डाबर का ले रही हूँ। आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप ले सकते हो। फिर लूँगी मैं लेमन जूस, और लेमन जूस थोड़ा सा ही लेना है, कुछ बूंदें ही लेनी है, इस वजह से मैं थोड़ा ही ऐड कर रही हूँ। आपकी पिगमेंटेशन के निशान इससे कम होंगे। आप इसको लगाते रहिए लगातार, आप इसको 2 वीक्स के लिए रख सकते हैं बना के, तो ये बहुत ही अच्छा काम करेगा। और आप तो इसको बनाते रहिए और फिर मेरे साथ जरूर कमेंट में शेयर कीजिए कमेंट करके कि आपको ये कैसा लगा। तो जो भी आपको ज़्यादा सूट करता है, आपकी बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन है, अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप इसको इसमें ग्लिसरीन कम डालिए, और जो बादाम ऑयल डाला है मैंने वो भी कम डालिए। लेकिन पतंजलि का जो जेल है जो मैंने डाला हो, वो आपको अच्छे से क्वांटिटी ज़्यादा ले बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि एलोवेरा जेल बहुत ही अच्छा होता है। इस वजह से जेल तो बहुत ही अच्छा होता है अपनी स्किन के लिए, हमारी स्किन से सूदिंग रहती है, हमारी स्किन से जितने भी आपके अगर डार्क सर्कल्स है, अगर आपकी बहुत डल है स्किन, तो उससे भी ये कम हो जाएंगे निशान वगैरह, डल स्किन भी इससे ठीक हो जाएगी। चलिए तो देखते हैं इसको यूज़ कैसे करना है। तो फ्रेंड्स मैंने ये सीरम बना लिया है, और ये सीरम बहुत ही अच्छा है, और आप इसको बना कर रख लीजिए एक एम्पटी बोल में, तो आप ये बना सकते हो, इसमें बनाकर आप रख सकते हो किसी भी एम्पटी बोल में। तो मैं इसमें रख लूँगी अभी, तो मैं अभी आपको दिखा रही हूँ सिर्फ इस वजह से, तो मैं यहाँ पर रखे हूँ। और सबसे पहले मैं मेरा फेस एकदम क्लीन है, क्लियर है एकदम से, तो मैं उसको अपने फेस को इससे टोनर टोन कर लूँगी। और ये है नीम तुलसी टोनर, तो मैं इसको अप्लाई कर ले रही हूँ। सबसे पहले मैं टोनर ही यूज़ करती हूँ, और आप लोगों को भी टोनर यूज़ करना चाहिए। तो टोनर यूज़ करने का मतलब है कि आपके जितने भी ओपन पोर्स होंगे वो श्रिंक हो जाएंगे, और आपकी जितना भी स्वेट वगैरह होगा वो भी, आपके पीएच लेवल होगा वो भी बैलेंस हो जाएगा, और जब हम कोई भी चीज़ अप्लाई करेंगे तो वो लॉक हो जाएगा। सिर्फ टोनर की वजह से वो अंदर नहीं जा पाएगी कोई भी चीज़, इस वजह से। तो मैं अभी वॉशरूम से आई थी, नहाकर आई हूँ, तो इस वजह से मैं इसको अप्लाई कर रही हूँ ये सीरम, और बहुत ही अच्छा है ये सीरम, देखिए। और आप सोच रहे होंगे मैं क्यों स्माइल इतना कर रही हूँ, तो मेरे हस्बैंड यहीं बैठे हुए हैं मेरे पास ही, और मुझे हंसाए जा रहे हैं। लाइटिंग की प्रॉब्लम हो जाती है फ्रेंड्स, तो थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा। ये देखिए, थोड़ा अच्छे से आप इस तरह से ऐसे करते रहिए अपने फेस को, एकदम बिल्कुल ही सेफ और अच्छे से, बिल्कुल हल्के हाथों से इस तरह से मसाज करनी है अपने फेस पर। चलिए मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी देर में। तो फ्रेंड्स देख लिया है आपने ये किस तरह से मैंने बनाया है, और आप इसको 10 डेज के लिए बना सकते हो। ये सारी चीज़ें आपके घर में भी अवेलेबल हो जाएंगी, तो इसको बनाना बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है, तो आप इसको बना सकते हो। और हाँ फ्रेंड्स, उसमें थोड़ा सा जब मैं बना रही थी तो थोड़ी सी लाइटिंग की प्रॉब्लम थी, तो आप इसको इग्नोर करिए, लेकिन जो मैंने बनाया है उसको आप ज़रूर बनाइए, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये कैसा लगा। तो अभी मैं घर पर ही हूँ और मैं कहीं नहीं जा रही, इसलिए मैंने अपने जो कान में पहनते इयरिंग तो मैंने नहीं चेंज किया, मैंने सिर्फ यही पहन रखा है। ज़्यादातर मैं यही पहन कर रखती हूँ कि मुझे अच्छा लगता है छोटा छोटा इयरिंग पहनना, इस वजह से तो मैं ज़्यादा चेंज नहीं करती हूँ, और मैं सिर्फ अपने वीडियो पर फोकस करती हूँ कि मुझे किस तरह का वीडियो अपलोड करना है, मुझे किस तरह की चीज़ें अच्छी लग रही हैं मेरे फेस पर, जो अच्छा वर्क करती है मैं वही आप लोगों के साथ यूज़ करती हूँ, आप लोगों को मतलब आपके साथ शेयर करती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि अगर मेरे स्किन पर कोई चीज़
कुछ नुकसान दे रही है, कुछ हार्म पहुंचा रही है, तो मैं आप लोगों को साथ नहीं शेयर करूंगी। तो यही आज का वीडियो। और मैंने जो इसमें लेमन डाला है, आपकी स्किन अगर थोड़ी भी जैसे ऑयली है तो उससे आपका जो ऑयल बैलेंस हो जाएगा। और आप लोगों को मैंने बताया है उसमें वीडियो में कि इसमें आपको अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप इसमें ऑयल कम डालिए। जो मैंने विटामिन ई ऑयल डाला है, विटामिन ई ऑयल बहुत ही अच्छा होता है फ्रेंड्स, बादाम ऑयल, क्योंकि ये फेस के लिए और आपकी स्किन के लिए, आपकी जो स्किन में रिंकल्स आ जाते हैं वो इससे कम हो जाते हैं। आपकी स्किन में अगर डार्क सर्कल्स हैं वो कम हो जाएंगे, मतलब बहुत सारी चीज़ें आपकी इससे ख़त्म हो जाती हैं। तो क्यों नहीं ये सारी चीज़ों को आप यूज़ करते हैं और अपने स्किन से ये सारी चीज़ें ख़त्म करते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए फिर मिलती हूँ मैं आपसे। अगर मेरा थोड़ा भी वीडियो हेल्पफुल लगता है, अच्छा लगता है, तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। लाइक करने में बिल्कुल भी आपका कोई भी पैसे नहीं लगेंगे फ्रेंड्स, और ये बिल्कुल फ्री होता है। तो प्लीज़ एक लाइक करिए, हमें मोटिवेट कीजिए, मुझे मोटिवेट कीजिए, हमारे चैनल को आगे बढ़ाइए, मेरे बेस्ट फ्रेंड बन जाइए, मुझे अपनी फैमिली में शामिल कीजिए, मैं भी अपनी फैमिली में आपको शामिल करूँगी। तो मिलती हूँ मैं आपसे, और शेयर जरूर कीजिएगा ये वीडियो सभी लोगों के, अपने फैमिली मेम्बर्स को, फ्रेंड्स के साथ, सभी लोगों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि उन लोग को भी थोड़ा सा कुछ अच्छा पहुँच सके और लोग भी ये सारी चीज़ें यूज़ कर सके। तो और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जो भी मेरे न्यू व्यूअर्स हैं, मेरे चैनल को नया देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करेंगे तो बेल आइकन आएगा, बेल आइकन को भी ज़रूर हिट करिएगा फ्रेंड्स, और आप जैसे ही हिट करेंगे आपके पास न्यू वीडियो पहुंच जाएगा और आप उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बहुत बड़ा हो जाएगा शायद, पता नहीं अभी कितना बड़ा होगा, क्योंकि मैं खुद भी एडिटिंग अभी आजकल नहीं कर रही हूँ, सिर्फ ऐसे ही चल रहा है। तो चलिए फटाक से देख लेते हैं। चलिए बाय फ्रेंड्स, बाय बाय, लव यू ऑल।